हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका नॉलेज कॉप्स यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इंडिया में कितने नेशनल पार्क्स हैं और कौन सा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, कौन सा नेशनल पार्क सबसे पहले बना था, कौन सा छोटा है, कौन सा फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क है। तो इन नेशनल पार्क के बारे में आज डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं नेशनल पार्क होते क्या हैं। नेशनल पार्क ऐसे एरिया को बोलते हैं, ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया जहाँ की जो वनस्पति है, यहाँ जो वहाँ के जीव हैं उनकी रक्षा के साथ, वहाँ पे जो ऐतिहासिक या सांस्कृतिक चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। वहाँ का पूरा इकोसिस्टम, वहाँ का फ्लोरा हो गया, फ्लोना हो गया, या लैंडस्केप हो गया, तो उस एंटायर रीजन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसे एरिया को जहाँ पर फ्लोरा या फ्लोना या जियोमॉर्फोलॉजिकल या जियोलॉजिकल एसोसिएशन के कुछ इंपॉर्टेंस है, तो उस एरिया को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी परमिट नहीं होती है। अगर कोई ह्यूमन एक्टिविटी परमिट करनी है तो वहाँ के चीफ वार्डन ऑफ द स्टेट से परमिशन लेनी पड़ती है, वो भी कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग जो चैप्टर 4 वर्ल्ड वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बताया गया। तो देख लेते पहला नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया का। तो फर्स्ट नेशनल पार्क जो इंडिया का है वो है हेले नेशनल पार्क, उत्तराखंड में है। ये 1936 में बना था। इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जिसको आज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड की अगर बात करें कि वर्ल्ड का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो वर्ल्ड का पहला नेशनल पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क, यूएस में है, जो 1872 में बना था। ठीक है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क की बात करें इंडिया में, कौन सा सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, तो हेमिस नेशनल पार्क है, जो कहाँ है? लद्दाख में। ये करीब 4400 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और ये साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क की बात करें तो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? ये अंडमान और निकोबार आइलैंड में है। इसका एरिया करीब 0.03 स्क्वायर किलोमीटर है। और फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क की बात करें, जब मरीन का मतलब समुद्री उद्यान, तो मरीन नेशनल पार्क कौन सा है? गल्फ ऑफ कच्छ। ये कहाँ है? गुजरात। सबसे पहला मरीन नेशनल पार्क है इंडिया का। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है फ्लोटिंग नेशनल पार्क। फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? तो केबुल नामज्वा नेशनल पार्क मणिपुर में। ये इंडिया का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। यहाँ पर लोकटक लेक भी है, जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का। और यहाँ पे ये संगाई डियर पाए जाते हैं, जिसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं, यहीं लोकटक लेक में पाए जाते हैं। इंडिया में बात कर लेते हैं तो टोटल 104 नेशनल पार्क हैं। 104 नेशनल पार्क हैं टोटल इंडिया में आज के समय में। 104 नेशनल पार्क हैं टोटल इंडिया में, जो करीब इंडिया का कितना एरिया कवर करता है? 405.013 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 40,501.13 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया कवर करता है, जो करीब 1.23% है इंडिया के टोटल सरफेस एरिया के। ठीक है गाइस, यानी इंडिया का जो टोटल सरफेस एरिया है उसका 1.23% जो एरिया है वो नेशनल पार्क के द्वारा कवर। स्टेट, ऐसा स्टेट जिसका हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क है जिसमें, तो वो मध्य प्रदेश है। इधर टोटल 11 नेशनल पार्क है। और लेटेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है इसमें? तो लेटेस्ट नेशनल पार्क है कुल्लू नेशनल पार्क, जो हाल ही में ऐड किया गया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।